ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम ने अपने वर्ल्ड कप 2023 के अभियान का शुरुआत कर लिया है। अगर हम बात करें उनके दूसरे मुकाबले की तो वो 11 अक्टूबर को उनको अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में खेलना है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में। तो यहां पर अपने इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस मुकाबले के लिए पिच रिपोर्ट कैसी होगी, भारतीय टीम का प्लेइंग 11 क्या होगा, क्या भारतीय टीम 4 पेसरों के साथ उतरने वाली है या फिर 3 स्पिनरों के साथ पिछले मुकाबले की तरह इस मुकाबले में भी उतरेगी। इन सभी बातों पर हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि भारतीय टीम का दूसरे मुकाबले के लिए क्या प्लेइंग 11 होने वाला है। शुभमन गिल पर चर्चा की जाएगी, फिर देखा जाएगा कि उनके जगह ईशान किशन खेलेंगे या फिर सूर्यकुमार यादव का कहीं से जगह बनता हुआ दिख रहा है। इन सभी बातों का डिस्कशन किया जाएगा, अपने इस वीडियो में पूरा एनालिसिस होगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट आपको यहीं पर सबसे पहले मिलती रहेगी। तो अगर हम भारतीय टीम के वर्ल्ड कप स्क्वाड पर नजर डालें तो वो आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी और जो मुकाबला है वो खेला जाएगा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में। आपको याद होगा कि यहाँ पर जो वर्ल्ड कप 2023 का पहला मुकाबला खेला गया था वो था साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका के बीच। यहाँ पर उस मुकाबले को अगर आप याद करेंगे तो हाई स्कोरिंग इनकाउंटर देखने को मिला था, जहां पर साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप 2023 का सबसे हाईएस्ट स्कोर खड़ा कर दिया था। उसके बाद श्रीलंकन टीम ने भी अच्छा खासा फाइट बैक दिया और 300 प्लस टोटल उन्होंने भी मात्र 42 ओवरों में खड़े कर दिए थे। तो फिरोज शाह कोटला हाई स्कोरिंग ग्राउंड होने वाला है, बैटरों के मुफीद ये पिच होगी, मतलब बल्लेबाज यहां पे एंजॉय करने वाले हैं। जिस कारण आप बात करें भारतीय टीम के कॉम्बिनेशन की तो यहां पर पिछले मैच के मुकाबले कॉम्बिनेशन में बदलाव देखने को मिलेगा। अगर हम पिछले मैच के कॉम्बिनेशन की बात करें तो हार्दिक पांड्या के लेकर भारतीय टीम ने 3 पेसर को खिलाया था, वहां पे आपके मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या दिखे थे। वहीं अगर हम स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन भारतीय टीम की तरफ से 3 स्पिनर थे। लेकिन वो पिच थे चेपॉक की पिच, चेन्नई की पिच, जहां पे स्पिनरों का बोलबाला माना जाता है और वहां पे जो सिलेक्शन था वो काफी सटीक साबित हुआ, क्योंकि चेपॉक ग्राउंड हमेशा स्पिन फ्रेंडली ग्राउंड माना जाता है। लेकिन जो फिरोज शाह कोटला है यहां पर हाई स्कोरिंग इनकाउंटर देखने को मिलेगा। तो ये तो तय है भारतीय टीम के कॉम्बिनेशन में बदलाव होना है, क्योंकि यहां पर भारतीय टीम 4 पेसरों के साथ उतरने वाली है। यानी कि जो पिछले मैच में स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे आर अश्विन का सिलेक्शन हुआ था, इस मैच में उनका पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप का स्क्वाड भारतीय टीम ने डिक्लेयर्ड किया था, भारतीय सिलेक्टरों ने डिक्लेयर्ड किया था, तो वहां पर यह सुनिश्चित किया गया था कि जहां पर भारतीय टीम को 3 स्पिनर खिलाने की जरूरत होगी तो तीसरे स्पिनर के तौर पे आर अश्विन खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं पे अगर भारतीय टीम को 4 पेसर इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या एज एन पेसर ले लिया जाए, 4 पेसर खिलाने की जरूरत होगी तो अश्विन की जगह भारतीय टीम शार्दुल ठाकुर को खिलाना चाहेगी और वही प्रिफरेंस होंगे, क्योंकि 8वें नंबर पे भारतीय टीम को एक ऐसा गेंदबाज चाहिए जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर सकता हो, जिस कारण आर अश्विन और शार्दुल ठाकुर अकॉर्डिंग टू द पिच कंडीशन हर पिच पर स्वैप होते दिखेंगे। वहीं मोहम्मद शमी की बात करें तो ये अनलक्की होंगे, फिर से एक बार इनको मिस करना पड़ेगा ये मुकाबला। हालांकि शार्दुल ठाकुर के जगह शमी ही बेटर ऑप्शन होते बतौर बॉलर, लेकिन रोहित शर्मा का प्रिफरेंस यही है कि उनको एक ऐसा गेंदबाज चाहिए जो कुछ बल्लेबाजी से भी योगदान कर सकता है। तो मोहम्मद शमी अलनकी होंगे और ये मिस करते हुए एक बार फिर से ये दूसरा मुकाबला मिस करते हुए दिखेंगे। वहीं रविचंद्रन अश्विन भी ये मुकाबला नहीं खेल पाएंगे, उनकी जगह शार्दुल ठाकुर टीम में वापसी करते हुए दिखेंगे। बात करें अगर हम तीसरे खिलाड़ी की जो ये मुकाबला नहीं खेलेंगे वह है सूर्य कुमार यादव। काफी चर्चाएं तेज हो गई थी कि क्या पता सूर्य कुमार यादव के साथ भारतीय टीम इस मैच में उतर जाए, लेकिन ऐसा कोई भी चांस बनता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि बल्लेबाजी क्रम से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहेंगे कप्तान रोहित शर्मा, सेटल्ड बैटिंग लाइनअप है। श्रेयस अय्यर के जहां बहुत लोग ये बात उठा रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव को इंक्लूड कर लिया जाए, लेकिन श्रेयस अय्यर एक मैच विनर खिलाड़ी हैं और एक दो मौकों से रोहित शर्मा ये डिसाइड नहीं करने वाले हैं कि श्रेयस अय्यर के जहां सूर्य कुमार यादव को
मौका दिया जाना चाहिए या सूर्यकुमार यादव को खिलाना चाहिए। तो यहां पर श्रेयस अय्यर का ही जगह बनता हुआ दिख रहा है। सूर्यकुमार यादव का भी जो सिलेक्शन का काफी चर्चाएं हो रही हैं कि सूर्यकुमार यादव को चुना जा सकता है, वो भी खारिज हो गया है। और अगर हम बात करें ओपनिंग कॉम्बिनेशन की तो ईशान किशन ही ओपन करते हुए दिखेंगे। किसके साथ ओपनिंग करेंगे? कप्तान रोहित शर्मा के साथ, क्योंकि शुभमन गिल डेंगू की चपेट में है और बीसीसीआई ने कल ही एक एडवाइजरी जारी की जहां पे उन्होंने सूचित किया कि शुभमन गिल अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा मुकाबला खेलते हुए नहीं देखे जाएंगे। तो ये तो सूरत हाल था, भारतीय टीम का यही प्लेइंग 11 होने वाला है। जो दूसरा मुकाबला जो खिलाड़ी मिस करते हुए दिखेंगे उनकी बात कर लेते हैं। सुमन के लिए मुकाबला नहीं खेलेंगे, सूर्यकुमार यादव नहीं खेलते हुए नजर आएंगे, आर अश्विन नहीं खेलेंगे और मोहम्मद समी, ये जो चार खिलाड़ी हैं ये कल का मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ जो भारतीय टीम खेलने वाली है वो नहीं खेलते हुए दिखेंगे। तो एक नज़र हम लोग भारतीय टीम के प्लेइंग 11 पर डाल लेते हैं जो कल के मुकाबले में पार्टिसिपेट करने वाली। ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा ईशान किशन, वन डाउन बैटर विराट कोहली, टू डाउन श्रेयस अय्यर ही प्रिफरेंस होंगे भारतीय टीम के लिए नंबर चार पे। हालांकि बहुत चर्चाएं हो रही हैं सूर्यकुमार यादव को खिलाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ इतना जल्दी नहीं होने वाला है। नंबर पांच पे एवर रिलायबल केएल राहुल, नंबर छह पे हार्दिक पांड्या बतौर ऑलराउंडर खेलते हुए दिखेंगे और इस मैच में अच्छा खासा रोल हार्दिक पांड्या निभाएंगे, क्योंकि शार्दुल ठाकुर अश्विन की तरह पूरे 10 ओवर गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे, जिस कारण हार्दिक पांड्या प्लस शार्दुल ठाकुर मिलकर 10 ओवर की गेंदबाजी यहां पे करेंगे। वहीं रविंद्र जडेजा नंबर सात पे, शार्दुल ठाकुर नंबर आठ पे बल्लेबाजी प्लस गेंदबाजी दोनों करते हुए दिखेंगे। वहीं बात करें स्पिन डिपार्टमेंट की तो कुलदीप यादव भारतीय टीम की तरफ से प्रमुख स्पिनर होंगे, उनका बखूबी साथ निभाते हुए दिखेंगे रविंद्र जडेजा। नंबर 10 की बात करें तो जसप्रीत बुमराह और नंबर 11 पे मोहम्मद सिराज, तो ये भारतीय टीम की प्लेइंग 11 होने वाली है। मतलब पेस डिपार्टमेंट लीड कौन कौन करेगा? मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी, और उनका बखूबी साथ देंगे हार्दिक पांड्या शार्दुल ठाकुर। तो चार पेसर, दो स्पिनर रविंद्र जडेजा और आर अश्विन के रूप में छह, और बाकी पांच स्पेशलिस्ट बैटर होने वाले हैं। तो ये तो अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन होने वाली है। अगर कोई भी लास्ट मोमेंट में चेंजेज होते हैं तो उस हिसाब से नई प्लेइंग 11 बनेगी, लेकिन फिलहाल फिरोज शाह कोटला का पिच कंडीशन देखते हुए सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 यही होने वाली है और कप्तान रोहित शर्मा इसी प्लेइंग 11 के साथ कल के मैच में उतरने वाले हैं। तो आज की अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।